वेलकम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप झारखंड पुलिस का फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक पुलिस का वर्दी पहन के राज्य सरकार का सेवा करूं, और ये सोच रहे हो कि मैं एक मेरा जो जुनून है वर्दी पहनने का, अगर आपका ये सोच है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पुलिस की नौकरी कैसी होती है, कहाँ कहाँ नौकरी करना पड़ता है, किस फील्ड में नौकरी ज्यादा सेफ है, अच्छा है, आपको सैलरी क्या मिलता है, आपको झारखंड पुलिस में क्या क्या सुविधा मिलता है, ये सारा डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप पुलिस भर्ती में आना चाहते हो, वीडियो को आप जरूर देखोगे और एंड तक देखोगे, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि पुलिस में आप अगर आ जाते हो तो आपको क्या क्या सुविधा सरकार देने वाली है, ये टोटल डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहला क्या है कि अगर आप पुलिस में ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में जाना होगा। आपकी ट्रेनिंग मिनिमम 9 मंथ की होती है, लेकिन बहुत सारे ड्यूटी आपको लग जाते हैं। ट्रेनिंग के ही दौरान आपको ड्यूटी करना पड़ता है, बहुत सारा ड्यूटी करना पड़ता है, राइफल के साथ नहीं लाठी ड्यूटी आपको करना पड़ता है। उस ड्यूटी की वजह से आपका जो ट्रेनिंग पीरियड वो लंबा होता जाता रहता है। जैसे मान लीजिए 9 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 9 मंथ में आपको कभी दुर्गा पूजा ड्यूटी लग जाता है, कभी इलेक्शन ड्यूटी लग जाता है, कोई भी ड्यूटी आपको लगनी ही होती है, करनी होती है, जिस कारण से ट्रेनिंग जो 9 महीने की होती है वो 10, 11, 12, 13 महीने तक चली जाती है। तो ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा समय होता है, बहुत इंजॉय लोग करते हैं, बहुत इंजॉय भी होता है, दुख भी होता है, मजा भी आता है। ट्रेनिंग को आप इंजॉय जरूर करोगे अगर आप पुलिस में भर्ती होकर आते हो तो। और एक बात और सुनो, ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी भी उसमें मिलने लगती है। जो पुलिस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी 1 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाती है। मैं जो ट्रेनिंग किया था, मैंने ट्रेनिंग 2017 में किया था, मेरी ट्रेनिंग की पहली सैलरी 19,200 रुपये आई थी। फर्स्ट ट्रेनिंग में फर्स्ट सैलरी मेरी 19,000 रुपये समथिंग आई थी। उसके बाद मुझे पर मंथ 19,000 रुपया मिलने लगा था। फिर धीरे धीरे सैलरी मेरी हाइक हुई, मैं बाद में बताऊंगा सैलरी कैसे हाइक होती है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ट्रेनिंग सबसे पहले होती है, ट्रेनिंग पास आउट अब जब हो जाओगे तब आपको जो जिला से आप फॉर्म फिलअप किए हो उस जिला में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि आप जिस जिला से फॉर्म भरे हो उसी जिला में आपकी पोस्टिंग होगी ट्रेनिंग के बाद। तो ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे, ट्रेनिंग के बाद आप जिला में चले जाओगे, आपका सैलरी भी लगभग नौकरी आपका साल भर हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखो, साल में आपको 2 बार सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ता है। इंक्रीमेंट 1 बार लगता है और 2 बार आपको डीए लगता है। मतलब सैलरी आपको मंथ में नहीं, ईयरली में आपको लगभग 1.5 से 2 हजार रुपये आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी हर साल। तो आपको मैं यही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सैलरी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लड़के वो लोग को सैलरी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि सर पुलिस की सैलरी क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी सैलरी अभी जो मैं ये टाउन सिटी में नहीं हूँ, मैं जहां पर देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, हमारे राज्य में 4 सिटी जो है, 4 राज्य हैं जो हमारे राज्य में, 4 जिले हैं, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और रांची। इस चारों जिले में अगर आपको पोस्टिंग होती है तो नॉर्मल जिले से आपको कम से कम 5,000 रुपये आपको सिटी अलाउंस मिलता है। तो मेरी सैलरी जो 2017 से और मैं 2022 चल रहा है, इसमें मेरी अभी की सैलरी लगभग 40,000 मुझे मिल रही है। अगर मैं ड्यूटी करने चला जाऊं इस 4 जिले में तो मेरी सैलरी कम से कम 5,000 रुपये बढ़ जाएगी, मतलब 45,000 मुझे मिलेगी। अभी मुझे 40,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, ये मुझे आपको बता देता हूँ। बहुत दोस्त लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सैलरी क्या मिलता है। तो ये फर्स्ट हुआ ट्रेनिंग के बाद। दूसरा आपको क्या है, मेडिकल फैसिलिटी झारखंड पुलिस में भी मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी में आपको मैं बता देता हूँ, जो पुलिस बल में जो कार्यरत आरक्षी हैं उनको भी नहीं पता कि मेडिकल कैसे क्लेम करते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे और आपके माँ बाप का मेडिकल सरकार उठाती है। अगर आपका कितना भी रुपया लगा, वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, जितना भी पैसा आपको खर्च हुआ हो, तो आपका वो सारा मेडिकल का जो भी खर्च होता है वो सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के तहत आपका वहन करती है। पहले आपको इलाज कराना होगा, पहले आप खुद पैसा खर्च करो, उसके बाद जो भी बिल आप जमा करोगे तो आपको पैसा वो मिल जाता है। मतलब मेडिकल फैसिलिटी आपको पुलिस में मिलने वाली है, और कैंटीन फैसिलिटी भी है। कैंटीन में थोड़ा सामान कम मिलता है, ये तो आपको
दिक्कत होगी, लेकिन वो सामान आपको लगभग मिल जाता है। पुलिस में कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है। और एक सुनो आओ, सैलरी के साथ झारखंड पुलिस में आपको 13 महीने का वेतन भी मिलता है। मतलब अगर आप 12 महीना का काम करते हो तो आपको मार्च महीने में डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। ये बिहार के तर्ज में भी झारखंड में लागू हो चुका है। और हमारे सैलरी के अलावा हम लोग को वर्दी भत्ता भी 4,000 रुपया मिलता है। तो ये सारा डिटेल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जानने के उत्सुक हो कि मैं एज ए पुलिस में अगर ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी था। और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, छुट्टी। झारखंड पुलिस में आरक्षियों में छुट्टी कितनी मिलती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि लोग को छुट्टी नहीं मिलेगी तो काम करने में तो मन, पुलिस में आरक्षी बन जाने का तो मन लगेगा भी नहीं। तो छुट्टी आपको पुलिस में, अगर आप सिपाही हो तो 18 CL और 20 CTL आपको लागू है छुट्टी, और 30 दिन का EL छुट्टी साल में आपका बनता है। वो आपको जब जरूरत हो तो आप EL छुट्टी ले सकते हो। ऐसे आपको 20 दिन CPL और 18 दिन CL आपको झारखंड सरकार अलाउ की है छुट्टी ले सकते हो आप हो। और जो जो 30 दिन का EL छुट्टी है वो आप मैं कभी भी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। ये रहा हमारा जो मेन बेसिक चीजें है जो पुलिस वालों को मिलती है, ये मैं आपको सारे डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा और आपको सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।